बीएसपी के गोली में कुछ वोटर की डेथ हुआ है, इसके बारे में आप लोग का क्या ख्याल है? ये तो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये काम तो करवाती है। वो मारकाट का ही तो काम कराती है ये सरकारें। सर मोदी को क्या दीदी से डर लगने लगा है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में? अब ये तो नहीं पता, ये तो यहाँ के लोग अगर भाई दीदी को जिता देंगे तो ठीक होगा, उसका एक देश में बड़ा वो हो जाएगा, जितना चाहिए, क्योंकि मोदी ने तो पूरा देश को बर्बाद कर दिया और पूरी ताकत उन्होंने यहाँ पर लगा दी। यहाँ पे जो तीन बिल है, तीन जो कानून है, उसके बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं करी। एमएसपी पे यहाँ पे कोई बात उन्होंने नहीं करी और यहाँ के लोगों ने उनसे क्वेश्चन भी करे तो बहुत दूर वे रहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसका क्वेश्चन वहाँ तक सुनाई नहीं देता उन तक। लेकिन यहाँ के लोग अभी क्वेश्चन उनसे करने लगे, जो उनके लोग आते हैं उनसे ये क्वेश्चन करने लगे कि एमएसपी हमको भी मिलनी चाहिए। मिल जाएगी तो यहाँ के किसानों को भी लाभ होगा सीधा। जिस तरीका से निर्वाचन कमीशन दीदी पे रोक लगा रही है, क्या आपको लग रहा है? ये तो लगाता है, सब भारत सरकार के कहने पे ये होता है, उन पे 24-24 घंटे के लिए रोक लगा देते हैं, दो दो दिन के लिए रोक लगा देते हैं, वे इलेक्शनों में ना जाए, जहाँ पे इलेक्शन हो गया उन पे वहाँ पे भी पाबंदी है, तो ये उन्हीं के कहने से लगाते हैं सब। आप लोग क्या शीतलपुरी जा सकते हैं? मेधा पटकरजी स्पेशली वो बहुत आंदोलन में जाते हैं, तो आप लोग भी क्या? अभी हमारा तो नहीं, अभी नहीं हमारा प्रोग्राम, क्योंकि हमारे कल के और जगह के प्रोग्राम है और आने वाले टाइम पे प्रोग्राम बनाएंगे। बंगाल का आदमी को क्या वार्ता देना चाहिए? क्या कहेंगे बंगाल का आदमी? क्या सीआरपीएफ जो है वो केंद्र की पुलिस है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की घुसपैठ जो है वो हर संवैधानिक संस्था में आज है, सीबीआई आरबीआई से लेकर चुनाव आयोग तक। ये बात चुनाव आयोग के भूतपूर्व कमिश्नर ने स्पष्ट रूप से हमको समझाई थी, तो और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पर हम लोग किसी भी पार्टी से चुनाव के दौरान हिंसा नहीं चाहते, हिंसा का विरोध करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो जब जातिवाद धर्मांधता सब काम नहीं आती है, लैपटॉप और सब बेचकर बांटकर भी काम नहीं आते, तब हिंसा का आधार लेते हैं। तो इस जिस ढंग से सीआरपीएफ लोगों ने गोली चलाई, ये कि कानून तहत क्या बोले? पर कार्रवाई होनी चाहिए तत्काल, उनके ही नुमाइंदे हैं, कार्रवाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। आजकल सब कुछ उनके हाथ में है, सीसीटीवी से लेकर हर चीज, लेकिन वो नहीं करेंगे। वो तो चुनाव के पहले यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहते थे और कुछ बिहार के फिर से पोलिंग करने के लिए मजबूर करना चाहते थे, क्योंकि जो बचा हुआ दौर है उसमें उनको कुछ डिस्टर्ब करना था। उनको डर है कि आसनसोल के उनके भी यहाँ भी उनको धक्का बैठेगा, और आसनसोल के किसान मजदूर अगर समझेंगे ये हिंसा यहाँ का वोटिंग डिस्टर्ब करने के लिए है, तो वो यहाँ हिंसा नहीं होने देंगे। यही हमारी अपील। कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी आया था यहाँ पर, वो कैंडिडेट भी दिए, वो बोले कि टीएमसी और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के का दो सेट। वही कहते हैं एमआईएम और बीजेपी एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। कोई भी धर्मांधता किसी भी धर्म के पक्ष में हम नहीं चाहते। आपका जो आंदोलन का जो मुख्य मुद्दा होना चाहिए ग्रामीण इलाके में होना चाहिए, तो आज शहरी इलाके में आप लोग ये कर रहे हैं, अपना सभा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आज आपके सभा में बहुत सारी चेयर भी खाली रही, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? ये दुकानदार भी तो इसी का हिस्सा है, अगर गांव में उनको एमएसपी कीमतें ठीक मिलेगी, जब गांव मजबूत होगा तो शहर जब भी तो मजबूत होगा, तो शहर के लोगों को भी समझाना है ये, और ये समझ गए सब, शहर के लोग भी समझ गए, और ये पूर्ण रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग यहाँ पे हैं जो शहर में हैं। और क्या शहर में कोई पाबंदी है कि शहर में नहीं आ सकते? तो पूरे हिंदुस्तान भर में कहीं पे भी जा सकते हैं, अभी दूसरी जगह भी जाएंगे, वहाँ पे भी बातचीत करेंगे। हम कुर्सी के लिए नहीं आए हैं, तो कुर्सियों की गिनती क्यों करें? हम वोटों के भी नहीं। ये तो वैचारिक क्रांति है, ये वैचारिक क्रांति डंडे और गोली से नहीं दबने वाली, ये विचार से ही दबेगी।